आपका कोई भी दवाई से यदि वेट लॉस नहीं हो रहा तो आप मेरे इस तरीके से सैलेड हफ्ते में 2 या 3 बार लेते हो तो उसमें आपको वेट लॉस करने में बहुत ही बढ़िया ये हेल्प करेगी। इसके साथ जो डायबिटिक पेशेंट हैं यदि वो भी इस स्प्राउट सलाद को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो उन्हें भी डायबिटिक में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, डायबिटिक रिड्यूस होती है इससे। नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी जी, आप सबका विष्णु किचन में स्वागत है जी। आज हम आपके लिए बहुत ही प्रोटीन से भरपूर सैलेड लेकर आए हैं। ये सैलेड हम मूंग दाल स्प्राउट से तैयार करेंगे। वह कुछ हमारे खीरे, टमाटर और ककड़ी वगैरह हम इसमें डालेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया सैलेड बनकर तैयार होती है जो कि वेट लॉस के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसके साथ ये डायबिटिक को भी कंट्रोल करती है। यदि डायबिटिक पेशेंट इसको लेते हैं तो उनकी शुगर में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हो जाती है। आइए इन सब की रेसिपी आपको बताते हैं। प्रोटीन से भरपूर सलाद बनाने के लिए हमने ये तकरीबन 3 साढ़े 3 चम्मच हमने साबुत मूंग दाल के स्प्राउट लिए हैं। इसको अच्छी तरह से धो लिए हैं। दोस्तों इसको धोना ज़रूरी पड़ता है क्योंकि इसमें फंगस वगैरह ना हो तो आप इसको 2 या 3 पानी से अच्छी तरह से धो लेना। सबसे पहले हम इसमें अपने स्प्राउट जो मूंग दाल के स्प्राउट हैं साबुत मूंग दाल के वो इसमें डाल देते हैं। इसके बाद हमने 2 छोटे खीरे लिए थे और 2 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, थोड़ा सा हमने धनिया चॉप करके रखा है और 2 हम इसमें नींबू डालेंगे और 2 या 3 छोटी छोटी थी हमारे पास ककड़ी वो भी हम इसमें डालेंगे। तो आइए इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं एक बार। ये वेट लॉस वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है दोस्तों। यदि किसी ने वेट लॉस करना है तो अपने दोपहर का लंच इसी से करें या शाम को रात के समय आप ना लें ये। अब हम इसमें तकरीबन 6 चम्मच के करीब, छोटे चम्मच है ये किचन वाले, ये दही में मिक्स करेंगे। ये 6 चम्मच हमने डाल दी हैं। इसके अलावा हम इसमें 1/4 चम्मच के करीब हमारा घर का बना हुआ जीरा मन मसाला और 1/4 चम्मच के करीब इसमें हम चाट मसाला मसाला मिलाएंगे। चाट मसाले के साथ हम इसमें 1/4 चम्मच से भी कम सेंधा नमक का, नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा नमक चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हैं। ये भुना जीरा है, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। ये मैं 1/2 चम्मच के करीब डाल रहा हूँ। इसके अलावा आप इसमें जो 2 नींबू आपको दिखाए थे उसका जूस, नींबू भी ऑप्शनल है, आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम चाहें तो कम डाल सकते हैं। ये प्रोटीन सलाद को सिर्फ काटने में ही टाइम लगता है, वो मैंने पहले ही काट ली थी अच्छी तरह से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, पर खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है ये। ये पूरे 2 नींबू मैंने डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों स्प्राउट है जो वो वेट लॉस के लिए तो सबसे बढ़िया है ही है, इसी के साथ ये जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए ये सैलेड भी बहुत बढ़िया है। कम से कम आप 1 वीक में 2 या 3 बार इसको लेते हैं तो उसमें आपका वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अच्छी तरह ये मिक्स हो गई है।
लीजिए दोस्तों, आपकी प्रोटीन से भरपूर मूंग स्प्राउट चाट कह सकते हैं आप, इसको सैलड कह सकते हैं, बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए।